की बोलेंगे तो ना हिंदुस्तान मेरा राजा है, मैं हिंदुस्तान में किसी भी कोने में जा सकता हूँ जाऊंगा। हमारे वतन अजीज ने क्या कहा है, कानून बनाया और बीजेपी ने दिल्ली से जो जंग यहाँ जो मिलाया सुना वो मुसलमाना कहना शुरू हो गए थे तो चंदा से मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ मिलेगा। अरे यहाँ पर इंसाफ मिलेगा बताओ मुझे, ट्रिपल तलाक कानून को नरेंद्र मोदी वजीर आजम ने बनाकर मुस्लिम महिलाओं से नाइंसाफी की, मुस्लिम महिलाओं को घर से बेघर कर दिया गया कानून बनाकर। अरे कानून को उन्होंने बनाया मुस्लिम बच्चों को जेल में डालने के लिए और मुस्लिम महिलाओं को बेघर करने के लिए, ये कानून आपके लिए नहीं बनाया गया। और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भाई हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जब ट्रिपल तलाक कानून तीन मरतबा लाया गया तो तीनों मरतबा में से मुस्लिम ने इसकी मुखालिफ की, कहे हैं आपस में ये दोनों तलाक कांग्रेस ने मोदी का साथ आया था ट्रिपल तलाक कानून में, दो मरतबा कांग्रेस ने साथ आया, तीसरी मरतबा वो लगा जाएगा फिर से ओवैसी खड़ा हो जाएगा तो सारे मुल्क में ही आएगा कि हमने ओवैसी का साथ नहीं दिया, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने तीसरी मरतबा उस बिल की मुखालिफ की। आपने देखा, दुनिया ने देखा कि मैंने दलाई के साथ आया कि ट्रिपल तलाक कानून मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ, आप बताइए अगर किसी पर पुलिस में केस कर दिया जाता है पुलिस ने उसको अरेस्ट कर देती उस महिला से करता है वो जेल में चला जाता है और कानून कहता है कि जेल में रहकर वो अपनी बीवी का अलाउंस देगा और बराबर गवर्नमेंट को सजा दे देती है 2 साल या 3 साल की सजा, तो कानून ये कहता है कि शादी नहीं टूटती। आखिर क्यों हमारी बहन उस शादी में है उस उम्र के साथ है जिसने तलाक कह दिया और 3 साल के बाद जब वो निकलेगा तो जेल में बाहर और खड़े रहिए कि क्या वहां फूल बरसाओ मेरा मैं दूंगा। कौन से कानून तुमने बनाया हिंदुस्तान के वजीर आजम महिलाओं से इंसाफ की बात करते हैं, हिंदुस्तान के वजीर आजम बहुत बात करते हैं कि मुस्लिम महिलाओं से इंसाफ करता हो, बताओ कि रविंद्र दास ने और तबरेज़ अंसारी की बेवा से मुलाकात की, क्या रघुवर दास ने अलीउद्दीन अंसारी की बेवा से मुलाकात की, क्या रघुवर दास ने अलीउद्दीन अंसारी को राशन की दुकान अपनी बेवा को देने का वादा किया था, क्या पूरा हुआ? ये इनका सबका साथ सबका विकास है, ये है कि मुस्लिम महिलाओं से साथ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हकीकत आपके सामने बयान करता हूं, अब एक नया कानून हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी बनाने जा रहे हैं, नया कानून बनाने जा रहे हैं। 9 तारीख के दिन लोकसभा में यह कानून आ सकता है और वह कानून क्या है कि उन तमाम हिंदुस्तान की सुरक्षा की जाएगी, शहरियत की जाएगी, जो मुसलमान है और जो मुसलमान है उनको सुरक्षा नहीं दी जाता, ये कानून बनाने जा रहा है, ये हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है, ये हमारे दस्तूर की दफा 14 और 21 के खिलाफ है। मगर नरेंद्र मोदी इस तरह का कानून बनाने जा रहे हैं और क्या कहते हैं कि नहीं ये रिफ्यूजी बना के लोग आए थे पाकिस्तान अफगानिस्तान से बांग्लादेश से, हम लोग सिटीजनशिप देंगे, इनका मकसद वो नहीं है, इनका मकसद ये सिटीजन बिल को पास करने के बाद
पूरे मुल्क में एनआरसी लागू करेंगे और एनआरसी लागू करने के बाद हम तमाम से कहा जाएगा कि तुमको साबित करना पड़ेगा कि तुम हिंदुस्तान की सियोरी सियोरी हो या नहीं, इसकी जरूरत हो या नहीं। आप बताइए सबको भाई में क्या रहना पड़ेगा, आसाम में क्या हुआ, आसाम में 19 लाख आसाम में 19 लाख लोग आज हिंदुस्तान में सिटीजन नहीं है, जिसमें लाखों को तादाद हमारे हिंदू भाई की है मुसलमान की है, मगर अगर पीर के दिन नौ तारीख के दिन जब ये कानून लोकसभा में अगर पास हो जाएगा, राज्यसभा में पास हो जाएगा, मेरा कलेजा मेरा दर्द ठीक करता है, वो दर्द होता है कि आसाम में सबको शहरियत मिल जाएगा सिवा मुसलमानों के, जो 5,40,000 कई हमारे हिंदू भाई है आसाम है उनको हिंदुस्तान में सिटीजनशिप मिल जाएगी, और जो शरीफ चालान है शरीफ मुसलमान है वो अपने ये मुल्क में बेघर हो जाएंगे, ये कानून बनाने जा रहा है। बताओ क्या इसलिए हमने आजादी की झंडे लगा था कि तुम इस तरह का कानून बनाओगे कि जो मुसलमान नहीं है उसको सिटीजन करा देंगे, जो मुसलमान है उसको नहीं करा देंगे। मेरा जुर्म क्या है, मुझे बांग्लादेश से क्या करना है, मुझे पाकिस्तान से क्या करना है, मुझे अफगानिस्तान से क्या करना है, मुझे हिंदुस्तान से हमने सिविल की आजादी में इस्तेमाल किया, हमने सिविल को आजाद करवाया, और जब पाकिस्तान आना है तो मेरे आपका बुजुर्गों ने कहा कि पाकिस्तान को ले जाएंगे, हिंदुस्तान हमारी से जमीन है हम यहाँ पर रहेंगे, मगर आप बीजेपी की सरकार एक ऐसा कानून बनाने जा रही है जो हिंदुस्तान की जमहूरियत के सियालीन होता है वाला कानून बनाने जा रहा है कि मजहब के नाम पर शहरी की जाएगी, मजहब के नाम पर सिटीजन की जाएगी। अरे ये काम जो तुम करने जा रहे हो काम तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पर, बांग्लादेश बना इस्लाम के नाम पर, अफगानिस्तान एक इस्लामिक मुल्क होगा, अब कितना इस्लाम उसमें है मुझे नहीं मालूम, मगर हिंदुस्तान तो मुसलमानों का इस्लामिक मुल्क नहीं है, हिंदुस्तान तो हिंदुइज्म का मुल्क नहीं है, हिंदुस्तान तो बौद्धिज्म का मुल्क नहीं है, हिंदुस्तान ईसाई मुल्क नहीं है, हिंदुस्तान के तमाम मजाहब को मानने वाला एक गुलदस्ता है जो सारे मजाहब को मानता है, जो मजहब को नहीं मानता उसको भी मानता है। मेरे दोस्तों इस तरह का काला कानून बीजेपी बनाने जा रही है, और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने सऊदी ओवैसी को जो अपनी ताकत अभी भी काबिलियत दी, मैं पूरी कुव्वत के साथ कानून के खिलाफ करती है हमारे पार्लियामेंट में करूंगा, और जरूरत पड़ी तो अदालत के दरवाजे कटाएंगे। हम इस मुल्क में दूसरे दर्जे के शहरी नहीं रह सकते, एनआरसी बनेगा, एनआरसी में जो आधार बोझ डाल दिया जाएगा कि तुम बताओ हमारी बाबा वो तो हिंदुस्तान की शहरियत हो या नहीं, तुम हिंदुस्तान के सिटीजन हो या नहीं, बोलेंगे फिलहाल डॉक्यूमेंट में कराओ, बताओ कि तुम्हारे पास सबको के पास बर्थ सर्टिफिकेट है, और जब जब किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं निकलेगा तो उससे कह जाएगा कि हिंदुस्तान में नहीं है, क्या होगा उसे हमारा हाल। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों मैं तुमको डालने के लिए नहीं कह रहा हूं, हकीकत बयान कर रहा हूं, क्योंकि जब हम सच्चाई बयान करते हैं तो इसीलिए मुझ पर गालियां पड़ती है, मुझ पर इल्जाम लगाए जाते हैं, ये मेरा मंसूबा है कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल बनाएंगे, उसके बाद एनआरसी लाएंगे, और एनआरसी लाने के बाद कई मुसलमानों को स्टेटस कर दिया जाएगा, हाँ जो गए हैं सिर्फ लाएंगे उनसे कहा जाएगा कि तुमको फिक्र नहीं है, तुमको उनके तुम मुसलमान नहीं हो, तुमको इंडिया के सिटीजन करा दिया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों ये हालात है, ऐसे हालात में मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप खुद कहे रहिए, अपने ओर का सही इस्तेमाल करिए, अपनी पार्टी को कामयाब करिए, कल तक आपके पास तो वो तबादल नहीं था, आज वो तबादल मिलने से इत्तेहाद मुस्लिमीन आपके पास है, मैं नौजवानों तुम कह रहा हूं कि तुम्हारा रुख बदल गया,
ये तुम तो फैसला करना है। मैं अपनी माँ और बहनों से कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों की सरपरस्ती करके जाएगी। मैं बुजुर्गों से कह रहा हूँ कि यहाँ राष्ट्रीय भी कांग्रेस पार्टी में दम दम नहीं है कि बीजेपी से वो हाथ मार ला सके। कांग्रेस पार्टी में ताकत नहीं है। सोचो आप कि मुझ पर इल्जाम लगा के वोट काटता हूँ। अरे मैं काटा हूँ, मैं किसी को तोड़ रहा हूँ, दिलों को जोड़ने का काम कर रहा हूँ। मुझ पर इल्जाम लगाने वाले कांग्रेसियों से पूछो आप, महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ, मंगले से जहां तो मुस्लिम में इलेक्शन लड़ा, मां से हमारे अल्हम्दुलिल्लाह दो एमएलए कामयाब हुए। हम कई नहीं हमारे पर दूसरे नंबर पर आए और महाराष्ट्र के इलेक्शन में ही कांग्रेस पार्टी के लोग पुकार पुकार कर रहे थे कि ओवैसी आएगा, जज्बा की तकरीर करेगा, तुमको जज्बा में बहा कर वोट लेकर जाएगा, मगर वोट काटेगा। ओवैसी को वोट दो, हमको हम बीजेपी शिवसेना का होंगे। मोहम्मद भी कह रहा था कि धोखा देने वाली पार्टी गई है और इलेक्शन जब खत्म हो गया नतीजे आए तो कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना का साथ निकाल कर लिया। कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना के साथ निकाल कर लिया और एनसीपी ने शिवसेना के साथ मलिका कर लिया और हमको इल्जाम लगा गए। अब मैं महाराष्ट्र के उन लोगों से पूछना चाह रहा हूं जो मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे, बताओ तुमने कांग्रेस से वोट दिया था, कांग्रेस ने शिवसेना से निकाल कर लिया, बताओ तुम्हारा वोट कहां गया? आज उनकी आवाज नहीं है। मैं आज वह